आज आप उस एंटिटी के साथ कम्युनिकेट करने की कोशिश करेंगे जिन्होंने पूजा पर अटैक किया था जब वो अपनी साइकिक रीडिंग्स कर रही थी। सबसे पहले सीकर जो ट्रिगर बने हैं वो अंदर जाएंगे। साहिल आप रैपिड मैंशन के अंदर एक टेबल चेयर होगा, आप उसके बगल में जाके खड़े हो जाएंगे। ठीक है सर। पार्थ आप अंदर जाएंगे, अंदर जाके एक रिंग मिलेगा और आप उस रिंग के बगल में खड़े हो जाएंगे। अंदर जाने से पहले आप एक अपने ऊपर एक परफ्यूम भी छिड़केंगे। कहते हैं कि जब अच्छी फ्रेगनेंस अच्छी खुशबू स्मेल करने पे जो एंटिटीज हैं वो अट्रैक्ट हो जाती हैं। ये कुछ सवाल हैं जिनके जवाब हम सब ढूंढ रहे हैं। आप इन सवालों के जवाब ढूंढेंगे और वहाँ की एंटिटीज के साथ कम्युनिकेट करने की कोशिश करेंगे। ओके यस सर। टेबल चेयर बेड सब यहीं पर है। अरे यार एक तो सीढ़ी है। ओ परफ्यूम लगाने बोला था उसको। लगा? अरे, लगा रहा। अरे अरे चार बार हुआ है। It feels very strange, but at the same time, it feels very relaxing. To be very honest, I feel very relaxed. I feel very relaxed. I don't know why. So my heart rate says something else. I don't know. दोनों opposite tangents में जा रहे हैं। उसको उसके emotions बाहर आ रहे हैं और ये relaxed feel हो रहा है। मुझे बहुत सारा बहुत अच्छा टाइम था। दो साल बहुत अच्छे थे। मेरी लाइफ का सबसे खूबसूरत टाइम था। मैंने जो भी एक्सपीरियंस किया जितनी भी खुशी थी मैं सब कुछ कर लेता हूँ। उसके साथ बताया हुआ हर टाइम मेरी लाइफ का बेस्ट पार्ट था। ओह ओह माय गॉड ओह वाओ नो वे दे वर ऑल बिहाइंड मी। This is I feel very sad. यहाँ ये कहानियाँ बहुत sad हैं यहाँ पे। I can feel it, I can sense it. कोई नहीं घुस सकता मेरे दिमाग के अंदर, कोई भी नहीं घुस सकता। और ऐसा नहीं बोल रहा कि मैं अभी खत्म हो गया, बट तुम्हारे पास वो अथॉरिटी नहीं है कि मेरे दिमाग में घुस जाओगे। यार ट्रिगरिंग लेकिन अच्छा कर रहा है साहिल। बहुत जेन्युइनली कर रहा है। हाँ। It's all good. सब ठीक है। आजा ब्रो। हमें इससे भी रिकॉर्ड करना है ना? मेरे हिसाब से इससे कम्युनिकेट करते हैं। अगर उससे इससे नहीं मिलता तो उसका यूज़ करते हैं। मैं यूज़ नहीं करूँ फिर? मेरे को लगता है अगर तेरे को करना भी तो एक जगह साइड में कहीं रख दे जहाँ से एंगल बन सके। बट दो डिवाइसेस से कंफ्यूज नहीं करते हैं। ठीक है, है ना? मैं इसको ऑन करता हूँ। क्या तुम वही हो जिसकी वजह से डॉक्टर मॉरिस ये एक्सपेरिमेंट कर रहे थे? अगर हाँ तो एक बेल दीजिए और अगर ना तो दो बेल दीजिए। अच्छा तो आप वही हैं? यस। ओके। मुझे आज जो हेल्पलेसनेस फील हुई क्या वो आपकी वजह से हुई? अगर हाँ तो एक बेल दीजिए, अगर ना तो दो बेल दीजिए प्लीज। ब्रो मैंने अभी पैसेज में भी हेल्पलेसनेस बोला, सो रैंडम। क्या आपको लोगों को तकलीफ में देखना इसलिए अच्छा लगता है या उनके दुखों को बाहर निकालना इसलिए अच्छा लगता है क्योंकि किसी ने आपके साथ भी ऐसा बहुत बुरा किया था? अगर हाँ तो एक बेल बजाइए और अगर ना तो दो बेल बजाइए। मेरे आसपास है कोई? जहाँ पे मैं था वहाँ पे रिकॉर्डिंग। आवाज सुनाई दी तेरे को? हाँ। कौन सी? Three? Yeah. Yes, they are right here. They are just where I was standing. जो आप दूसरों के इमोशंस पे फीड करते हो क्या आपको लगता है ये सही तरीका है?
अगर हाँ तो कोई भी आवाज दे दीजिए, कोई भी आवाज दे दीजिए, हम सुनने के लिए रेडी है। रेड बल्ब पे दे रहा है। डिसाइडेड। रुतेश पंकार। क्योंकि अलग एंटिटीज है ना। What do you mean? As in they were triggering the entities who could change shapes. So they are like, we don't care what you are asking. Just give जो हमको सही लग रहा है। क्या आप जो ये दूसरे इमोशंस पे फीड करते हो, दूसरों के इमोशंस पे फीड करते हो, क्या आपको लगता है ये राइट है? अगर हाँ तो एक बेल बजाइए, अगर ना तो दो बेल बजाइए। I think we've gotten all the answers. पानी ने आवाज़ दे दी। पानी का बहुत प्रोमिनेंट आवाज़ है। Nice. I just want to say thank you so much for communicating with me. मेरे को जान कर अच्छा लगा ये सब। Just thank you so much. Thank you so much. Thank you so much. Investigation over होता है। आरिन। Yes sir. इस समय हम Abbott Mansion के सामने खड़े हैं। कुछ देरी में आप अकेले अंदर जाएंगे। यस सर। और उन पेशेंट्स की एंटिटीज के साथ कम्युनिकेट करने की कोशिश करेंगे जिनका इलाज डॉक्टर डेथ, डॉक्टर मॉरिस किया करते थे। यस सर। कुछ देर के बाद एक सायरन बजेगा और आपका स्टेज टू शुरू होगा, ट्रिगरिंग। ये सवाल है जिनके जवाब हम सब ढूंढ रहे हैं। ओके सर। Oh fuck. This is huge. तुम्हें क्या लगा कि मैं डॉक्टर हूं? झोला छापू मैं, झोला छापू, मुझे कुछ नहीं आता। कुछ नहीं मिलेगा यहां पे मुफ्त में भी। और डॉक्टर आर्यन, डॉक्टर आर्यन, बड़ा जो एक्टिंग कर रहा हूँ, वो हंसना ऐड करना, नॉट नीडेड, यू आर नॉट एक्टिंग वहां पे। मुफ्त का इलाज लेने आए ना यहाँ पे तुम सारे आए हो मुफ्त का इलाज लेने। लो मुफ्त का इलाज, मुफ्त का इलाज। कुछ भी नहीं मिलेगा। जो इन चीजों से तुम गुजर रहे हो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। कि तुम तड़पो या मरो। क्या आपको डॉक्टर मॉरिस ने कैद कर रखा है? अगर हाँ तो दो बार बेल बजाइए। क्या आप कभी भी ठीक होकर इस हॉस्पिटल से बाहर जा पाओगे? अगर हाँ तो एक घंटी बजाइए। उम्मीद है। मैं डॉक्टर नहीं हूं और आपकी कुछ मदद नहीं कर सकता। क्या आपको गुस्सा आ रहा है? अगर हाँ तो तीन घंटी बजाइए। क्या आपको अपने गांव वालों पे गुस्सा आता है कि उन्होंने आपको यहाँ भेजा? अगर हाँ तो प्लीज़ बिना इस घंटी के मुझे कुछ और आवाज़ महसूस कराइए। मुझे एक आवाज़ दीजिए लेकिन इस घंटी पे नहीं। क्या मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए? अगर हाँ तो तीन घंटी बचाइए।
जब मैं बोलता था तीन बेल दो तो तीन बेल आती थी, दो बेल दो, एक दो बेल. जब मैंने क्वेश्चन पूछा कि बिना किसी बेल के मुझे एक आवाज़ दीजिए, बहुत ज़ोर से टक से आवाज़ आई जैसे समथिंग फेल ऑन द फ्लोर. तो वो चीज़ वॉज वेरी शॉकिंग. स्टिल अभी कहीं ना कहीं मेरे से मैं शिवर कर रहा हूँ, मेरे को पूरे बॉडी पे से गूज़बम्स आ रखे हैं अंदर ही अंदर. आई डोंट नो, तुमको समझ में नहीं आ रहा.